चाहेंगे क्या क्या विजन है आपका आगे चल के, और जिस तरह से आपको मतलब चैलेंज फेस करना पड़ा बड़ा, उसके बारे में बताइए। अपने नए बैनर जी स्पॉट, जी वही वही अपने नए बैनर जी स्पॉट एंटरटेनमेंट में मैं पहले वेब सीरीज़ बना रहा हूँ जी फाइव के लिए, ऑल्ट बालाजी के लिए और उल्लू के लिए। और आज मुझे एक चीज़ और बोलने में थोड़ा खुशी हो रही है कि मेरे फ्रेंड विवेक सिंह, आज उनका बर्थडे भी है, तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग उनको विश भी कर दें। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो तो बोर्ड सब्जेक्ट पे ही काम चल रहा है, जो कि अभी डिमांड ही है, जैसा आप सभी लोगों को मालूम ही है। कौन मैं हसबैंड के साथ प्रोडक्शन में मैं दो साल पहले जुड़ा था, काफ़ी अच्छा हसबैंड की प्रोडक्शन में दो साल पहले जुड़ा था, काफ़ी अच्छे आदमी। हम पहले सीरियल स्टार्ट किया था, हमने पहले प्रोमो डन किया था, काफ़ी ब्रीफ नहीं दे पाऊँगा उसके बारे में। और ये प्रोडक्शन साथ में हम कर रहे हैं, हसबैंड इसमें मुझे एज एन एक्टर लॉन्च भी कर रहे हैं, और इनके साथ काफ़ी सारे काम भी मैं कर रहा हूँ अभी फ्यूचर में। मैं भैया एक्टर आदमी हूँ, संदीप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मेरी बिटिया है सीमा, वेरी गुड एक्ट्रेस एंड राइटर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और आप तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। अब इन्होंने मुझे प्यार से बुलाया, मैंने कहा आ गया भाई, आओ अच्छा काम करने को दो, वो मोनोटोनस वो सज्जन सिंह वो इसे दाढ़ी वाड़ी मैंने निकाल दी है, आपको नया आप लोगों को करके दिखाऊं, इंटरेस्टिंग दिखाऊं, और कुछ लीक से हट के हो, कुछ डेफिनेट हो। तो इसके लिए मैं अभी इनके सामने हाजिर हुआ हूं, आगे जब इनकी प्रोडक्शन शुरू होगी तो और भी कुछ करता रहूंगा, मेरी यही कोशिश रहेगी। और ये भी मेरा आशीर्वाद है कि इनका ये प्रोजेक्ट जो भी कर रहे हैं वो अच्छा बढ़े, आगे बढ़े और नए कीर्तिमान स्थापित करें, कुछ नई सोच और नया एंटरटेनमेंट दें, मेरी यही दुआ है, यही आशीर्वाद है। और ख़ासकर संदीप जी, इन्होंने मुझे हर्षवर्धन जी बहुत ही मेहनती और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार, काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए, तो अभी एक अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया है जी स्पॉट के साथ वेब सीरीज़, और इसको अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हर्षवर्धन जी थैंक यू। कोई रीज़न नहीं है, जी स्पॉट जी फॉर गॉड, और बाकी जी स्पॉट के बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि दौलत हुस्न पर दरबान बिठा रखा है, तो वही स्पोर्ट्समैन की चाहिए। पहले एक तो शुरू हो जाए, फिलहाल तो हमारा विजन सिर्फ वेब सीरीज पे ही है। रानी एक था रावण में रुक्मणी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और हर्ष जी के साथ हम एक शो करने वाले थे काफ़ी टाइम पहले, आई विश बहुत जल्दी आ जाएगा, और एंड ऑल द बेस्ट फॉर जी स्पॉट एंटरटेनमेंट। काफ़ी सारी वेब सीरीज वीडियोज एल्बम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे आगे, आई विश लक टू हर्ष जी, थैंक यू। विवेक का बर्थडे भी है। ओह विवेक, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच।
I just want to congratulations to the whole team and yeah, I'm looking forward to work with them. Itara Purana, you come there evening and I wish my brother a very happy birthday and God bless you and I hope you can. Thank you. हर्षवर्धन जी के बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है. इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से ये बहुत सीरियसली और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये एक इनका नया कदम है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इन्हें बधाई दूंगा कि जिस तरीके से मतलब इनका क्रिएटिव माइंड, मैं इन्हें पर्सनल जानता हूँ और बहुत सारे लोग जानते हैं, आप भी शायद जानते होंगे, तो कमाल का क्रिएटिव माइंड है. और उसके अलावा ये प्रोडक्शन हाउस में नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं. तो अभी जितनी वेब सीरीज चल रही है इनकी भी वेब सीरीज, यानी कि क्रिएटिव माइंड के साथ में वेब सीरीज, जो बहुत सारी वेब सीरीज़ ने धमाका मचाया, तो हमारी शुभकामना इनके साथ में कि ये इनकी वेब सीरीज़ और ये इनके जितने भी काम हैं एकदम हिट फटाक धमाल हो जाए. और भाई का बर्थडे आज, तो जिसका जन्मदिन होता है उसका ही दिन होता है, तो आज इनका दिन है, तो मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, बहुत बहुत बधाई हो. तुम जियो हजारों साल और जीते रहो, बाकी की आगे की बातें अंदर, पार्टी अच्छी रखिए. रेसर बीच में